प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 में इस तरह लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर किस लिए आता है जी? चोरी करने आता है, दूसरों को नष्ट करने और मारने के लिए आता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में चोरों का गैंग आया है। वो क्या करते हैं मालूम है? आधी रात में गैंग की तरह आते हैं, जिन घरों में ताला लगाया है उन घरों को ताला फोड़ते हैं, पैसा सोना लूटते हैं, चले जाते हैं। उनका टारगेट यही है कि जितने लोग भी धनवान है उनके पास घरों में घुसते हैं, पैसे लूटते हैं, भाग जाते हैं। अगर उनको अटैक करने के लिए कोई घर वाले बाहर आते हैं तो उनको मारते हैं, घायल करते हैं, कुछ लोगों को जान भी निकाल देते हैं। उनका काम क्या है? चोरी करना और मारना, जो और भी ज़्यादा है तो हत्या भी कर देते हैं। चोर का काम यही है। शैतान आज विश्वासियों का समय को बिगाड़ने के लिए, उनको पाप में गिराने के लिए, उनका जीवन बर्बाद करने के लिए और नरक भेजने के लिए कोशिश करते रहता है। अविश्वासियों के पास नहीं जाता, विश्वासियों के पास ही आता है। विश्वासियों के पास आकर उनका समय दूसरों के द्वारा, मेहमानों के द्वारा या दोस्तों के द्वारा फ़ोन करवाता है, लड़ाई झगड़ाओं में फंसाता है और कुछ लोगों को शराब में, व्यभिचार में, सिगरेट में, ऑफिस में। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु पे तो आपका समय बर्बाद करने के लिए, आपको लड़ाई झगड़ाओं में फंसाने के लिए, जो भी है आपको नष्ट करना है, आपका विश्वास को कमज़ोर करना है, यही उसका काम है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह संसार में क्यों पैदा हुए? ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। देखिए, शरीर को मृत्यु है लेकिन आत्मा को मौत नहीं है। एक व्यक्ति जब मर जाता है उसकी आत्मा को दो ही मौके है, एक स्वर्ग, दूसरा नरक। अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु के मार्ग में चलता है, तो वो अनंत जीवन में जाएगा। अगर वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, पापी है, प्रभु से दूर है और अपना जीवन बर्बाद किया है, तो उसकी आत्मा नरक जाएगी। लेकिन प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाह मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना जान देने के लिए आया हूँ। अनंत जीवन देने के लिए, हमारी आत्मा नरक से बचकर स्वर्ग जाने के लिए प्रभु ने अपना जान हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किए है, ये आप जानते हैं। प्रभु का आशय है कि ये मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, वो विश्वास में मजबूत रहे, पाप से बचे, हर दिन मेरे साथ प्रार्थना करे, यही प्रभु की आशा है। प्रभु ने कहा, संसार का ज्योति मैं हूँ, जो भी ज्योति में रहता है वो अंधकार में नहीं चलता। प्रभु इसीलिए आए हैं कि हम ज्योति में रहे। परमेश्वर का जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा लेकिन जीवन का ज्योति पाएगा। यहाँ परमेश्वर ने अनंत जीवन देने के लिए वादा करते हैं। आज कई मसीही लोग कहते हैं, हम प्रभु का उद्धार पाए हैं, चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, लेकिन और भी अंधकार में है। शराब नहीं छोड़ते, व्यभिचार नहीं छोड़ते, सिगरेट पीना नहीं छोड़ते, दूसरों को डांटना नहीं छोड़ते, उसी रास्ते में है, लेकिन कहते हैं हम स्वर्ग जाना है, हम अनंत जीवन पाएंगे, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। देखो, आपके जीवनी के द्वारा यीशु मसीह को लोग देखना है। जब आपको लोग देखते हैं, कहना है ये भाई सच्चा विश्वासी है, सिर्फ बातों से नहीं बोलता लेकिन अपने कामों में यीशु मसीह को दिखाता है, इस तरह हमारा जीवन रहना है और हमारी गवाही होनी चाहिए। लेकिन आज कई लोग क्रिश्चियंस कहते हैं लेकिन यीशु मसीह का नाम बदनाम करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इस संसार में आए हैं, हमारे जैसा एक मनुष्य की तरह जिए हैं और एक भी पाप नहीं है उनमें, फिर भी हमारे गलतियों को उनके कंधों पर उठाकर मार खाने लगे, क्रूस पर अपना जान प्रभु ने बलिदान दिया। क्यों? आपको और मुझे बचाने के लिए। कहाँ से? नरक से बचाने के लिए। आज शैतान का काम यही है कि आपका विश्वास को कमज़ोर करे, आपका समय बर्बाद करे, आपको परमेश्वर से दूर करे, यही उसका काम है। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तुझे जीवन देने आया हूँ, बहुतायत से देने आया हूँ, ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। इस संसार में जितने दिन हम जीवित रहेंगे उतने साल परमेश्वर हमें आशीर्वाद देने वाले हैं और मृत्यु के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद, आत्मा को भी अनंत जीवन में प्रभु अपने साथ रखने के लिए वादा करते हैं। जो प्रभु को फॉलो करता है अंधकार में नहीं रहता। इसीलिए पाप करना छोड़ दो, प्रभु की बात सुनो और विश्वास में मजबूत रहो। जब लोग आपको देखते हैं,
आपके अंदर परमेश्वर का ज्योति दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने इसलिए इस संसार में आए हैं ताकि हमें जीवन दे और बहुतायत से दे। प्रभु, आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए हैं, इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो भी आप पर विश्वास करता है, आपने एक मौका दिया है, एक आशा है हमें कि हम अनंत जीवन जाएंगे, हम नरक से बचेंगे। इसी आशा के साथ तुझे फॉलो करते हुए तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। जितने भी लोग और भी पाप के बंधनों में है, उनके बंधनों से छुड़ा परमेश्वर, उनके पापों से छुटकारा दे यीशु। प्रभु, सिर्फ बोलने वाले नहीं, तुझे फॉलो करने वाले बना पिता। आज के दिन हम सबको आशीष दे और मदद कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।